आज हम इस लॉजिटेक वायरलेस माउस का ये जो वायरलेस नैनो रिसीवर है इसका ऑपरेशन करेंगे। इसको हम डिसअसेंबल करेंगे और करके देखेंगे इसके भीतर में क्या क्या कंपोनेंट है। ये लॉजिटेक वायरलेस माउस का नैनो रिसीवर अभी हम डिसअसेंबल करने जा रहे हैं। ये पूरा मोल्डेड ही दिखाई दे रहा है, पर शायद इसमें कुछ लॉक होगा। वो लॉक को हम हटा के ऊपर का ये कवर पहले हटा लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अंदर में क्या है। देखिए ये लॉक खुल गया है, अंदर में दिख रहा है सिर्फ एक छोटा सा पीसीबी और उसमें कुछ कंपोनेंट लगा है, ये हम देख सकते हैं। अभी इसको हम कनेक्टर से बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा ज़ोर लगा के निकालना पड़ेगा और सावधानी से भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये डैमेज भी हो सकता है। ये एक प्लास्टिक का केसिंग इसमें मुझे दिख रहा है, ये प्लास्टिक का केसिंग जो है इसको हटा के इसको खींच के निकालना पड़ेगा इस पीसीबी को। ये बहुत ही पतला सा एक पीसीबी है, इसके ऊपर पूरे सब कंपोनेंट्स सारे लगे हैं। मुझे क्रिस्टल दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल। ये निकल गया पूरा पीसीबी। इस तरफ कुछ कैपेसिटर्स दिख रहा है मुझे, कुछ SMD माइक्रो कैपेसिटर्स दिख रहा है मुझे, और एक क्रिस्टल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये वाइब्रेटिंग क्रिस्टल है, ये ऑसिलेशन क्रिस्टल है, ये माइक्रो कंट्रोलर के लिए ऑसिलेशन क्रिएट करता है। और दूसरी तरफ जो है ये एक माइक्रो कंट्रोलर लगा है, ये माइक्रो कंट्रोलर जो है इसके लिए भी कुछ ड्राइवर की तरह कुछ यहाँ पे SMD कंपोनेंट लगाया हुआ है। मुझे तो यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ क्रिस्टल है। तो यही सारा जो है माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करता है पूरा इसका जो ऑपरेशन है। बहुत कुछ लगा नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।